हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम 11th क्लास की एनसीईआरटी का हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है, यानी चैप्टर फर्स्ट का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। और हमारी जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी का डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम प्रीवियस सेशन में भूगोल शब्द के बारे में पढ़ लिया था, जो किसने दिया था, हीरोडोटस ने दिया था, एक ग्रीक विद्वान था। और उसी प्रकार से हमने जो ह्यूमन ज्योग्राफी से और फिजिकल ज्योग्राफी से जो इंटर रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था, यानी फिजिकल ज्योग्राफी क्या होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो आज के इस सेशन में हम भूगोल एक समाकलन यानी इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट के रूप में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। संश्लेषणात्मक का मतलब होता है कि किसी भी कोई वस्तु हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उसकी हम विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका नेचर क्या है, ये किस काम आती है, ठीक है, ये किन किन कारकों से प्रभावित रहती है, ये सारी चीजें। जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। क्षेत्रीय का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कोई लोकेशन है, पठारी क्षेत्र है, तो वो उसकी लोकेशन क्या है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में उसके क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। उसी प्रकार से इसका इतिहास क्या है, यानी ये कब बना था, ये किन कारकों से बना था, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक यानी होलिस्टिक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है, यानी एक दूसरी चीजों पर डिपेंड है वर्ल्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चीज अलग हो गई, ये चीज इस पे डिपेंड है, ये चीज वापस इस पे डिपेंड है, ये ऐसे करके सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। आज वर्तमान विषय से एक वैश्विक क्रम का प्रतिपादन होता है। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई, ठीक है, आप सभी को पता है, ठीक है। सर्वदर्शी माध्यम यानी जो ऑडियो विजुअल मीडिया मीडिया है, ठीक है, सूचना तकनीकी के ने आंकड़ों को बहुत समर्थ बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रचलन या जो पैरामीटर है उनके निरीक्षण और परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों के अंतरपृष्ठ यानी जो इंटरफेरेंस है उनका संबंध है। तो भूगोल क्या है, एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक और सामाजिक जो विज्ञान है उसके बीच में अंतरपृष्ठ है। प्राकृतिक का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी हो गए, फिजिकल में कोई पठारी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है। फॉर एग्जाम्पल हमने जब जनसंख्या का वैश्विक वितरण पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जो कोस्टल एरिया है, तटवर्ती क्षेत्र है, और जो मैदानी क्षेत्र है, जो आर्थिक जो संसाधन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिच रीजन है, वहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। दूसरी तरफ हमने पढ़ा था कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हिली एरिया होते हैं, डेजर्ट एरिया होते हैं, जो आइस कैप रीजन है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है। तो ये इनका अंतरपृष्ठ है, यानी जो इनका इंटरफ्रेंस है कि पॉपुलेशन वहीं पे ग्रो करेगी जहाँ पे उनको रिसोर्सेज प्राप्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल जल की उपलब्धता, जो जल सॉइल की फर्टिलिटी, तो ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना, ठीक है। जो यथार्थता का मतलब है कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है प्रेजेंट टाइम में, उस चीज के बारे में ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साहचर्य को बोधगम्य बनाता है। जो रेखा चित्र 1.1 भूगोल के अन्य विज्ञानों के साथ में संबंध दर्शाता है, ठीक है, एक बार इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भूगोल और अन्य विषय के संबंध में, जैसे समाजशास्त्र में सामाजिक भूगोल पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र में भौगोलिक चिंतन पढ़ते हैं, मानव शास्त्र में सांस्कृतिक भूगोल पढ़ते हैं, पर्यावरण विज्ञान में पर्यावरण भूगोल पढ़ते हैं, ऐसे करके हम सारी चीजें पढ़ते हैं। जल विज्ञान में जो समुद्र विज्ञान है उसमें जल विज्ञान इंक्लूड है, ठीक है। जो मृदा विज्ञान है उसमें मृदा भूगोल के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पति पादप से संबंधित है, प्राणी, ठीक है, पारिस्थितिकी मानव से संबंधित है, भू आकृति की जो भू विज्ञान है उसके बारे में, जलवायु में मौसम है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। नेक्स्ट है, वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानीय संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक है, ठीक है। अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता से समकालिक करता है, यानी एक तो जो डिफरेंस है वो ही नहीं देखता है, उसमें सिमिलरिटीज क्या है, समकालिकता क्या है, उनकी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजों का डिस्कशन करता है।
भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा फॉर एग्जाम्पल, भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रभावशाली कारक रही है। ठीक है, तो इसमें ये आगे बोल रहा है कि क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। परंपरागत युद्ध के बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। ठीक है, नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र तथा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक जो समुद्र से घिरा हुआ पोर्शन है। ठीक है, तो वहां पे कोई भी कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल आसियान नेशन है या चाइना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्राचीन काल की बात करते हैं, तो उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके पास में जो नो वन था, जो समुद्री जो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से समुद्री जहाजें थी उनके पास में, तो वो एक दूसरे क्षेत्र पे जाके कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन इतना आसान भी नहीं था, उनको बहुत टाइम लगा था। यदि वो कोई फ्रेंच था, वो उसको ऑस्ट्रेलिया जाना होता तो बहुत ज्यादा टाइम लगता उसको उस टाइम, उसके एक तो जहाज का निर्माण करना, फिर इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तय करके जाना, बीच में उसके पास में प्रॉपर जो वे है वो पता नहीं है उसको, तो ये सारी चीजें, इस चीजों में टाइम लगता है प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम यदि फ्रांस चाहता कि मैं इटली पर आक्रमण करूँ तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लेता, वो बॉर्डर लैंड है उसका। ठीक है, यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उसमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। यानी हर एक चीज जो हमें दिख रही है उनकी हम भौगोलिक व्याख्या कर सकते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। ये यदि प्रेजेंट टाइम में यहाँ है तो ये कहीं से अपवर्तित होकर आया, तो पहले ये कहाँ पर था। ठीक है, तो ये सारी चीजें। भारत में हिमालय एक महान अवरोधक के रूप में देश की रक्षा करता है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं तथा प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते हैं। सामुद्री किनारे दक्षिणी पूर्वी एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जैसे हिमालय है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दर्रे हैं वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से नौ संचालन यानी नेविगेशन तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर औपनिवेशीकरण के करने में सहायता की है, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली थी, जो नेविगेशनल सिस्टम था। अब अंग्रेजों के पास में जहाज थे, तो उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके वहां पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो इस वजह से भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तित अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक भौगोलिक तत्व समय के साथ परिवर्तित होता है। यानी जो कोई भी भौगोलिक तत्व हो, चाहे वो टोपोग्राफी से संबंधित हो, चाहे वो संस्कृति से संबंधित हो, समय के साथ में उसमें चेंजेज आते रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय में जो अपरदन हो रहा है, ठीक है, तो गोर्ज का निर्माण हो रहा है, तो वो जो अवसाद है वो मैदानी क्षेत्र में लाके जमा कर रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये परिवर्तन होते रहते हैं। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। यानी उनका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है चेंजेस का, उसी के अनुसार वो चेंज करते रहते हैं। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल है। उदाहरण के लिए, अ स्थान ब स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिसे विकल्प के रूप में यह कहा जा सकता है कि अ स्थान ब स्थान से 2 घंटे दूर है यदि कोई हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो, या 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेल की यात्रा करता है तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें दिल्ली से बेंगलुरु जाना है। ठीक है, तो यदि हम हवाई यात्रा करेंगे तो मुश्किल से 1.5 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, लेकिन वहीं हम ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी प्रकार से ये कहने का मतलब समय का लिख है कि हम कौन से मीडियम का चयन करते हैं। इसी कारण समय भौगोलिक अध्याय के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है। ठीक है, कृपया तीन अन्य, ठीक है, जो फोर्थ डायमेंशन है टाइम। ठीक है, तो हाइट, विड्थ और लेंथ के अलावा जो फोर्थ डायमेंशन है वो है टाइम। ठीक है, तो इसी प्रकार से विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित है। ठीक है, ये खंड ऐसे मतलब जो मेन चीज है, ठीक है, जो इस टॉपिक के संबंध में वो अब स्टार्ट हो रही है। शुरुआत में हमने बेसिक चीजें देखी थी कि एक्चुअली में इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन से थॉट है, कौन कौन से प्रोसेस है, उन चीजों के बारे में। अब है कि भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान।
ठीक, एक एक तरफ तो है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी तरफ है नेचुरल साइंस। भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं जैसे रेखा चित्र में दर्शाया गया है प्राकृतिक विज्ञान की अंतर्पृष्ठ है। ठीक है, परंपरागत भौतिक भूगोल भूमि की, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। इस प्रकार भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान से अत्यधिक निकट है, यानी जैव भूगोल है। ठीक है, बायो जियोग्राफी है, बायो जियोग्राफी में क्या होगा, वनस्पति पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, इकोलॉजी होगी, वहाँ पे परिस्थिति होगी, यानी जो बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट है उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो क्योंकि मानव विभिन्न स्थितिक निकेत यानी जो निकेत होते हैं उनमें निवास करता है। ठीक है, ये चीजें एक भूगोलवेत्ता को गणित एवं कला विशेषता मानचित्र रेखांकन में निपुण होना चाहिए। भूगोल खगोलीय स्थितियों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है जो अक्षांश एवं देशांतर का विवरण प्रस्तुत करता है। पृथ्वी का आकार भूआब यानी जो जियोड है का परंतु भूगोलवेत्ता का मूल उपकरण मानचित्र है जो द्विआयामी प्रदर्शन होता है। भूआब को द्विआयामी में परिवर्तित करने के का समाधान लेखाचित्रीय या गणितीय रीति से निर्मित प्रक्षेप जो यानी प्रोजेक्टर है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेखात्मक और परिमाणात्मक तकनीकी में गणित, सांख्यिकी एवं अर्थमिति यानी जो इकोनोमेट्रिक्स में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। मानचित्र कलात्मक कल्पना का द्वारा तैयार किया गया है। खाका है, स्केच है, मानस यानी मेंटल मानचित्र है, और जो कार्टोग्राफिक वर्क है तो कला में निपुणता की आवश्यकता होती है। जो मानचित्र है मानचित्र कला है उसमें निपुणता चाहिए। स्केच हम कैसा भी बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के सदर्न पोर्शन का मैप है तो ये स्केच हो गया। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर इसकी न तो कोई दो समय स्थानों जो दो स्थान है उनके बीच की दूरी हमें पता नहीं है। ठीक है, और इनकी जो अक्षांश और देशांतरीय स्थिति क्या है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो ये इसको हम स्केच बोलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉपर एक वे में दो समय दो स्थानों के बीच में जो डिस्टेंस है उसी प्रकार से अक्षांश और देशांतर का पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी स्थिति है, तो उसमें ये सारी चीजें जो मानचित्र कला है, कार्टोग्राफी है, और जो जो मानचित्र कला है या मानचित्रण की जो प्रक्रिया है उसमें प्रॉपर होती है। ठीक है, भूगोल है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अब एक तो ज्योग्राफी है और दूसरा सोशल साइंस है। अब इसमें क्या सिस्टम है कि रेखा क्षेत्र में प्रदर्शित प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की एक शाखा से अंतरपृष्ठ यानी इंटरफ्रेंस संबंध है। भूगोल और इतिहास में अंतर संबंध का विवरण पहले ही दिया जा चुका है। प्रत्येक विषय का दर्शन होता है जो उस विषय के लिए मूल आधार यानी जो रीजन है होता है। दर्शन किसी विषय को जड़ प्रदान करता है, उस क्रम से विकास प्रक्रिया में स्पष्ट ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है। जैसे इस प्रकार भौगोलिक चिंतन का इतिहास भूगोल की मातृशाखा के रूप में सर्वत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। यानी जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से ज्योग्राफर्स थे और उन्होंने किन किन बातों को किया, फॉर एग्जाम्पल विलियम मॉरिस डेविस है, उन्होंने जो नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन है उसका कॉन्सेप्ट दिया था, तब हमें पता चला कि एक्चुअली में जो नदी है उसकी तीन अवस्था है, और वो शुरुआती अवस्था में उछल कूद करती है, इरोजन ज्यादा करती है, सेकंड अवस्था में जैसे मैदानी क्षेत्र आते हैं यानी पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरती है नदी, तो धीरे धीरे उसमें थोड़ी शांत स्वभाव आता है नदी में। ठीक है, वो डिपोजिशन करने लगती है, फिर एंड में डेल्टाई क्षेत्र में जाती है, तो बिल्कुल ही कहने का मतलब वहाँ पे अपरदन तो बिल्कुल जीरो हो जाता है और निक्षेपण हाईएस्ट है। ठीक है, तो शुरुआत में शुरुआत में युवा अवस्था में होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था मेच्योर हो जाती है, फिर एंड में वृद्धावस्था में चली जाती है। ठीक है, तो ये चीजें जब तक हम भौगोलिक चिंतन को नहीं पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल होमर ने क्या कहा था, स्ट्रैबो ने क्या कहा था, ठीक है, टोलमी ने क्या कहा, ठीक है, इसी प्रकार से इकेटियस ने क्या कहा, तो जब तक वो चीजें उनके आइडियाज हमें पता नहीं चलेंगे तब तक हम ज्योग्राफी को नहीं समझ सकते हैं। ज्योग्राफी का मतलब जो हमारे आंखों के सामने पर्वत पठार मैदान दिख रहे हैं ये ही नहीं है। ठीक है, जो प्राचीन इतिहास है ज्योग्राफी का वो भी समझना जरूरी है, तब हमें समझ में आएगा कि जो प्रेजेंट टाइम में चीजें वर्क कर रही है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ये कैसे हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के सभी विषय यथा समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब सोशल साइंस से जो भी संबंधित है जैसे समाजशास्त्र है, राजनीतिक है, अर्थशास्त्र है, बेसिक चीजें हैं पॉपुलेशन के बारे में, समाज के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक, जनसंख्या, अधिवास विषय में घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें से प्रत्येक में स्थानीय यानी स्पेशल विशेषताएं होती है। जैसे
जो समाज है, सामाजिक भूगोल है वो समाज के बारे में देखता है, राजनीतिक भूगोल राजनीतिक सिस्टम के बारे में देखता है, आर्थिक भूगोल आर्थिक क्रियाओं के बारे में देखता है, जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन के बारे में देखता है, आदिवास भूगोल जो ह्यूमन सेटलमेंट है उनके बारे में देखता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंधित है लेकिन एक दूसरे से स्पेशल है, उनके कुछ ना कुछ उनकी स्पेशलिटी है हर एक की। राजनीतिक शास्त्र का मूल उद्देश्य राज्य क्षेत्र जनसंख्या प्रभुसत्ता का विश्लेषण है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य एवं उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं जैसे उत्पादन विवरण विनिमय उपभोग का विवेचन है, ठीक है, इन्हीं विशेषताओं से प्रत्येक का स्थानिक पक्ष होता है यानी स्पेशल पक्ष होता है। अतः वहाँ आर्थिक भूगोल की भूमिका आती है जो उत्पादन विनिमय वितरण और उपभोग के स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकिकी के से निकटता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है, उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि भूगोल भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह अध्ययन के विधि तंत्र एवं उपादानों का अनुसरण करता है जो इसे अन्य विषयों से पृथक करता है, ठीक है। यानी जो स्पेशलिस्ट ही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जनसंख्या भूगोल में हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, आदिवास भूगोल में ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो जो दोनों के बीच में स्थायित्व है, जो जुड़ाव है और दोनों का जो अलगाव है वो एक दूसरे पर निर्भर है। इसका अन्य विषयों में परासरणी जो ऑस्मोटिक संबंध होता है, जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है, यानी एक तो जो निजी विषय क्षेत्र होता है और दूसरा इनके बीच में जो दोनों का जो रिलेशन है उसको संबंधित करता है। भूगोल वैशिष्ट्यपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोधक नहीं करता है, जैसे शरीर के सभी कोशिकाओं की एक झिल्ली मेम्ब्रेन द्वारा पृथक पहचान होती है, परंतु रक्त का बहाव अवरोध नहीं होता, ठीक है। भूगोल वेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का प्रयोग करते हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य के संबंध में संश्लेषण करता है, यानी कोई भी रीजन है उसमें पॉपुलेशन जो जनसंख्या से संबंधित भूगोल वेता है वो क्या करता है, पॉपुलेशन के डाटा लेता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के डाटा लेगा तो उसमें व्यक्ति क्या कार्य करता है उसके बारे में देखेगा, व्यक्ति के कितने बच्चे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति का जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, व्यक्ति की एजुकेशनल स्टेटस क्या है, व्यक्ति किस धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब कोई दूसरा इकोनॉमिस्ट आएगा, आर्थिक भूगोलवेत्ता आएगा और वो जो जनसंख्या से संबंधित डाटा थे उसको खंगालेगा, तो उसमें उसको पता चलेगा कि व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम वो सर्विस करता है या वो खनन क्षेत्र में कार्य करता है, फिर उसको पता चलेगा कि किस टाइप का खनन करता है या किस टाइप की सर्विस करता है। तो कहने का मतलब ये चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे से लिंक है। भूगोलवेत्ता सहयोग के विषय से जो सारणीबद्ध आंकड़े का दृश्य के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक दूसरे से लिंक है। नेक्स्ट है भूगोल की शाखाएं, ठीक है। अब हमने चित्र 1.1 का अध्ययन किया था, इसमें स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन का एक अंतर शिक्षण यानी जो इंटरडिसिप्लिनरी विषय है, ठीक है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि में जो दो अन्य उपागम है, विषय वस्तुगत उपागम है यानी कर्मबंध है और दूसरा है प्रादेशिक, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि विषय वस्तु जो विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम है, ठीक है, यानी जो सिस्टमेटिक जियोग्राफी है, सिस्टमेटिक जनरल जियोग्राफी, उसका प्रतिपादन कौन किया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, ठीक है, वो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने किया। और जो प्रादेशिक भूगोल है यानी जो रीजनल जियोग्राफी है उसका प्रतिपादक हम्बोल्ट ने किया था, ठीक है। सॉरी, प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट ने और समकालिक भूगोल का जो उपागम है वो कार्ल रिटर ने दिया था। 1 मिनट, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह है उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा परिवर्तित किया गया, जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालिक एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता थे कार्ल रिटर, ठीक है, उसने किया है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच है ना, या जो क्या बोलते हैं उसको, विषय वस्तुगत उपागम ये तो दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने और प्रादेशिक जो उपागम है वो दिया था कार्ल रिटर ने, ठीक है। तो इनकी जो जन्म तिथि है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की वो है 1769, वहीं पे कार्ल रिटर की 1779, जो इनकी डेट ऑफ डेथ है, ठीक है, यानी इनकी मृत्यु काल है वो दोनों का सेम है, 1859, ठीक है। इसी 1859 में डार्विन की जो थियोरी है इवोल्यूशन से संबंधित, स्पेसिस इवोल्यूशन से संबंधित, वो दी थी, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, थोड़ी याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट है विषय वस्तुगत उपागम में एक तृतीय का पूरे विश्व स्तर का अध्ययन किया जाता है, यानी जो सिस्टमेटिक अप्रोच है विषय वस्तुगत उपागम है, इसमें क्या होता है कि
एक तृतीय का पूरे विश्व स्तर का अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरण तो यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा, फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवतरेखीय के सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले वन, कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उसके विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यानी जो विषय वस्तुगत अप्रोच होती है ना, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध अप्रोच, इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज हम अध्ययन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेड़ से बात की थी यानी प्राकृतिक वनस्पति की बात की थी, इसी को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरे वर्ल्ड की प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहा है कि विषुवतरेखा पर कौन सी किस प्रकार की होगी, उसी प्रकार से उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, पोलर रीजन में किस टाइप की वनस्पति पाई जाएगी। तो दूसरा है प्रादेशिक उपागम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये किसी क्षेत्र विशेष की बात कर रहा है, सिर्फ विषुवतरेखा की बात करेगा या फिर उपोष्ण कटिबंधी बात करेगा। ठीक है, विश्व को एक विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, यानी कुछ हायरार्कियल ऑर्डर में वर्ल्ड को ऐसे डिवाइड कर देता है, और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट नामित प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है, यानी यहाँ पे एक तो हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें डाइवर्सिटी कम पता चलेगी। वहीं पे हम किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल विश्व स्तरीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें पेड़ पौधों की डाइवर्सिटी पता चलेगी, उसी के साथ में जो अंतर्निर्भरता है, उसी प्रकार से दूसरे जो ह्यूमन फैक्टर है, जो नेचुरल फैक्टर है, ये सारी चीजें हमें डिटेल से पता चलेगी। तो द्वैतवाद भूगोल की एक मुख्य विशेषता है, यानी जो द्वैतवाद है, ड्यूलिज्म है, ड्यूलिज्म का मतलब नेचुरल और फिजिकल, सॉरी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ये ड्यूलिज्म हो गया, द्वैतवाद हो गया, किसी भी चीजों का दो सापेक्ष चीजों का एक साथ में अध्ययन करना। इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका है। द्वैतवाद यानी द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्षों पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है, उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। अब इमेजिन कीजिए, यदि पृथ्वी पर ह्यूमन नहीं है, ठीक है, मानव नहीं है, केवल पेड़ पौधे और जीव जंतु है, उसमें ह्यूमन नहीं है, ठीक है, जीव जंतुओं की कैटेगरी में ह्यूमन नहीं है, तो आप इमेजिन कर पाओगे ये जो अर्बनाइजेशन है, जो ये कल्चर है, जो धर्म है, संस्कृति है, भाषा है, इनका डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार मानव क्रियाओं का बल देने के साथ ही मानव भूगोल का विकास हुआ है ना, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका भी कहीं ना कहीं फिजिकल ज्योग्राफी के सापेक्ष में अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे भूगोल की शाखाएं और विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के रूप में, जैसे भौतिक भूगोल है। अब भौतिक भूगोल में पहला तो है यहाँ पे भू आकृतिक विज्ञान यानी जियोमोर्फोलॉजी, ये भू आकृति उनके क्रम विकास संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब आप सभी को पता है भू आकृति में क्या क्या आते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, और उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उनकी स्टडी क्या है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल संरचना, मौसम तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश और इनका अध्ययन किया जाता है, तो ये आपकी जलवायु विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है जल विज्ञान, यानी ये जियोमोर्फोलॉजी है, ये क्लाइमेटोलॉजी है, ये हाइड्रोलॉजी है। ठीक है, इसमें धरातल के जल परिमंडल, समुद्र कहाँ पे है, नदी, झील कहाँ पे है, अन्य जलाशय कहाँ पे है, इनका अध्ययन किया जाता है। उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्यों का प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ओशन का ह्यूमन लाइफ पे क्या प्रभाव है, इनका भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसा यहाँ पे ये चीजें दे रखी है, भौतिक भूगोल में पहली है भू आकृति की, दूसरा जलवायु, तीसरा जल विज्ञान, चौथा मृदा विज्ञान। ठीक है, उसी प्रकार से जो दर्शन शास्त्र है उसमें भौगोलिक चिंतन का अध्ययन होता है, मानव पारिस्थितिकी एवं मानव परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। उसी प्रकार से जो विधि एवं तकनीकी भूगोल है उसमें मानचित्र कला है, मात्रात्मक तकनीकी है, उसी प्रकार से क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि है। ठीक है, उसी प्रकार से भू सूचना है, जैसे GIS हो गया, GPS हो गया, LIS हो गया। उसी प्रकार से जो मानव भूगोल है, अब मानव भूगोल में क्या क्या अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक, उसी प्रकार से ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल। अब जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल में पहला ग्रामीण स्तर पर देखते हैं, दूसरा नगरीय स्तर पर देखते हैं। उसी प्रकार से जो आर्थिक भूगोल है उसमें कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, परिवहन, अवसंरचना और सेवाएं, ये चीजें डिस्कस करते हैं। अब जो ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इन दोनों से जो मिलकर बनी चीजें हैं, जैसे पारिस्थितिकी है, इसमें हम बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट की स्टडी करते हैं। पादप भूगोल है, मृदा है जो एबायोटिक है, और जो पादप है वो बायोटिक कंपोनेंट है। पर्यावरण भूगोल, प्राणी भूगोल, ये सारी चीजें दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है,
तो आपको ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि पूछ लेंगे पादप भूगोल किस श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मृदा भूगोल है, ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उत्पादकता का स्तर और उनका वितरण एवं उपयोग आदि के संबंध को डिस्कस करता है मृदा भूगोल। नेक्स्ट है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में क्या होता है कि मानव भूगोल में एक तो सांस्कृतिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक जो पद्धति होती है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये गतिमात्मकता एवं समाज में योगदान में निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। ये ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि और उनका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास, व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण और नगरीय अधिवास के वितरण, प्रारूप और अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। हमने जो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है 12th क्लास की, इंडिया और वर्ल्ड की दोनों को हमने डिस्कस की थी, उसमें हमने जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल में अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप सभी को आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल। इसमें मानव की आर्थिक क्रियाएं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती है सेवा सेक्टर के बारे में। ऐतिहासिक भूगोल में उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है, ठीक है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल में की जाती है। ऐतिहासिक का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले नियोलिथिक पीरियड पढ़ते हैं। उसी प्रकार से जो वेरियस जो सिविलाइजेशन है जैसे माया सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, और जो नील नदी घाटी की संबंधित जो सभ्यता है उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता है, हवांगो के संबंधित जो नदी घाटी सभ्यता है, तो ये हम डिस्कशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि ज्योग्राफी का जो ह्यूमन ज्योग्राफी का सेटलमेंट से संबंधित है जो क्रमिक विकास हुआ है। नेक्स्ट है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में सिंपल बातें हैं, सीमाओं को और पड़ोसी देश कौन से हैं, भूविन्यास क्या है, निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जो चुनाव परिदृश्य है उसमें देखते हैं, और जो सैद्धांतिक रूपरेखा है उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो जीव भूगोल। अब भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरपृष्ठ यानी इंटरफेस के फलस्वरूप जीव भूगोल का उद्भव हुआ है, ठीक है। अब जीव भूगोल में कौन कौन सा, एक तो जीव भूगोल है इसमें पशुओं और उनके निवास से संबंधित भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। वनस्पति में जो प्राकृतिक वनस्पति उनके हैबिटेट के रूप में अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र के विज्ञान से संबंधित है, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट भूगोल संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रबंधन फलस्वरूप जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण, चिंता के अनुभव, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज के संबंध में जो भी टॉपिक होंगे वो पर्यावरण भूगोल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। अब प्रादेशिक यानी जो रीजनल लेवल पर है जैसे वृहद है, मध्यम है, लघु यानी मैसो, मैक्रो, मैसो और माइक्रो है, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रामीण इलाका है, नियोजन है, शहर हो गया, नगर हो गया, ठीक है। प्रादेशिक विकास है, प्रादेशिक विवेचना और विश्लेषण है, ठीक है। जैसे दो पक्षों में विषय के लिए अभिनिष्ठ एवं सर्वनिष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट है भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागमन के आधार पर, ठीक है। प्रादेशिक उपागमन का मतलब है कि प्रादेशिक अध्ययन है और क्षेत्रीय अध्ययन है, उसमें स्थूल प्रदेश अध्ययन है, मध्य प्रदेश अध्ययन है, सूक्ष्म प्रदेश अध्ययन है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रादेशिक विकास है, प्रादेशिक विश्लेषण है, प्रादेशिक नियोजन है, योजना, ठीक है। जैसे देश और ग्रामीण योजना, शहरी योजना, ये सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दर्शन। दर्शन में एक तो भौगोलिक चिंतन आता है, दूसरा भूमि तथा मानव अंतर प्रक्रिया, मानव परिस्थिति के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है विधि तंत्र एवं तकनीकी, जिसमें सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र कला और उसी प्रकार से परिमाणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीकी के बारे में देखते हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण विधियों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, जैसे GIS है, GPS है, ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पोर्शन दे रखा है वो GIS और GPS के बारे में, ठीक है। तो इसको एक बार डिटेल से देख लेते हैं कि उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करती है, ठीक है। यानी जो हम ऊपर चीजें पढ़ी है ये सारी एक विस्तृत रूपरेखा है कि कौन सी एक दूसरे से अलग है और कौन सी एक दूसरे से इंटरलिंक है। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया या पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थितिक है क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वे नई सोच, नई समस्याएं और नए विधि तंत्र एवं नई तकनीकी के साथ अग्रसर होते हैं। उदाहरणतः जो पहले हस्त निर्मित मानचित्रण तकनीकी थी, अब संगणक निर्मित मानचित्रण में परिवर्तित हो गई। यानी पहले हम हाथ से बनाते थे लेकिन प्रेजेंट टाइम में कार्टोग्राफी आ गई है। तकनीकी ने विद्वानों के वृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान की है। यानी पहले हम हाथ से मानचित्र बनाते थे तो हमें बहुत सारे डाटा है वो पेन से लिखने पड़ते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑटोमेटिक हमें सामने मिल जाते हैं स्क्रीन पर।
इंटरनेट इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है। इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई। भौगोलिक सूचना तंत्र यानी जो GIS ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। वैश्विक स्थिति तंत्र जो GPS है, बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। और तकनीकी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। आप इस तकनीकी के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है भाग है, उसमें जो GPS वाला पोर्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये चीजें देखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि भौतिक भूगोल है इसका महत्व। ठीक है, हमने GPS और GIS के बारे में पढ़ लिया है, ये है भौतिक भूगोल और इसका महत्व। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र से विषय क्षेत्र को प्रतिबिंब करता है। यानी जो पुस्तक की शीर्षक है और विषय सूची है, विषय सूची में हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ा था, फिर प्रकृति की संरचना के बारे में पढ़ा था, फिर हमने जो जो भू आकृति है उसके बारे में पढ़ा, फिर जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें बताती है कि हम कौन कौन सी चीजों का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस पुस्तक में हम कौन सी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्तिसंगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल है, जैसे भूमंडल में कौन कौन सी चीजें आती है, एक तो भू आकृतियां आती है, प्रवाह और उच्चावच आते हैं। वायुमंडल में संरचना आती है, मौसम और जलवायु से संबंधित फैक्टर आते हैं, जिसमें तापक्रम हो गया, वायु दाब हो गया, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार, ये सारी चीजें आ गई। जल मंडल में समुद्र, सागर, झीलें, जल परिमंडल से संबंधित जो तत्व हैं वो सारे आ गए। जीव मंडल में जीव का स्वरूप क्या है, मानव तथा वृहत जीव और उसके पोषक प्रक्रम क्या है, जैसे खाद्य श्रृंखला, परिस्थिति की प्रचलन जो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं, एवं परिस्थिति की संतुलन है जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मिट्टियां हैं वो मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती है। ठीक है, उस तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं काल अवधि पर निर्भर रहती है। हमने जो इंडियन ज्योग्राफी में जो मिट्टी से संबंधित पोर्शन पढ़ा था उसमें ये सारी चीजें डिस्कस की थी। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है, यानी जो जितनी ज्यादा लॉन्ग टाइम मिलेगा किसी भी मृदा वाले क्षेत्र को, तो वो उतनी ही अच्छी विकसित मृदा होगी। ठीक है, मृदा पार्श्विक यानी जो प्रोफाइल है उसका विकास अच्छा होगा। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियां आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन एवं खनिज संपदा विकसित होती है। पर्वत, चारागाहों, वनों एवं पर्यटन स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। यानी जो जल जो नदियां हैं उनका मल्टी डायमेंशनल रोल होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है। यानी हम उष्ण कटिबंध में रहते हैं तो हमें उस प्रकार से कपड़े और भोजन हम उपयोग में लेंगे, उसी प्रकार से हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं तो हमें वस्त्र और हमारा जो खान पान है वो बदल जाएगा। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं कुछ उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्रों में जलवायु को अपरिवर्तित यानी मॉडिफाई कर देती है, जैसे वातानुकूलित जो एयर कंडीशनर है, वायु शीतलक है इत्यादि, जो जैसे फ्रिज है, AC है, ये सारी चीजें। तापमान तथा वर्षा वनों के घनत्व, घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। वर्षा भूमिगत जलधारक जो प्रस्तर है यानी जो एक्वेफायर है को पुनरावेशित यानी जो रिचार्ज करती है, जो एक्वेफायर्स है जो जल गतिकाएं हैं उनको पुनर्भरण करती है, एवं कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं, जो संसाधन है उनका जो हमने पढ़ा था जैविक और अजैविक संसाधन। ठीक है, और इसी प्रकार से जो धात्विक खनिज है उसमें लोहा खनिज, अलोह खनिज, फिर जो अधात्विक खनिज है उसमें भी हम ईंधन खनिज और जो मुख्य अन्य जो अयस्क है उनके बारे में पढ़ते हैं। यह वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत में समुद्री तल से मैग्नीज जो पिंड है जो नोड्यूल से एकत्रित करने की तकनीकी विकसित कर ली है। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापन ये संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित एवं संस्कृति से प्रेरित होती है। अब जो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट है वो किससे प्रभावित होती है, एक तो निर्धारित किससे होती है, जो डिटरमिनेंट फैक्टर कौन सा है, प्रकृति के, प्रकृति जैसे मृदा का कौन सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल काली मृदा है तो वो पठारी क्षेत्र में है,
तो उसका जो विकास होगा, उसका जो प्रकृति होगी वो उस टोपोग्राफी के आधार पर होगी। अब चूंकि दक्कन ट्राइब पर कौन से प्रकार के, मतलब किस संस्कृति के लोग रहते हैं, तो उस प्रकार की खेती करेंगे, ठीक है। तो ये संस्कृति से प्रेरित होती है और प्रकृति से निर्धारित होती है, ठीक है। मृदा पौधों एवं पशुओं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक मंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हैं, अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है, यानी जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो हो गया है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी और जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसका यदि प्रॉपर बैलेंस में लेके चलना है, एक प्रॉपर वे में चलना है, हमें कोई नेचुरल रिसोर्स है जो उनका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, यानी अति उपयोग है, उसको नहीं करना है, ठीक है। और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ध्यान में रख के हमें चीजें खर्च करनी है। तो ये सारी चीजें हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भौतिक जो वातावरण है उसका ज्ञान को नितांत आवश्यकता है और भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, ह्यूमन के लॉन्ग टाइम के बने रहने के लिए, यानी धरती पर सर्वाइवल के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ में जो हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे दो ज्योग्राफर्स है, उन्होंने भूगोल को परिभाषित किया। पहला है रिचर्ड हर्ट्सन, ठीक है। इसने बोला है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक यानी क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, जो रीजनल लेवल पर जो करेक्टरिस्टिक होते हैं उनकी व्याख्या करना, उनको एक्सप्लेन करना होता है। दूसरा है अल्फ्रेड हेटनर, इसने बोला कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, ठीक है। अब पहले हर्ट्सन ने क्या बोला था कि जो प्रादेशिक भिन्नताएं हैं उनका वर्णन करना और उनकी व्याख्या करना, वहीं पर अल्फ्रेड हेटनर बोलते हैं कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों के कारणात्मक रूप, कारणात्मक का मतलब है कि पर्वत का निर्माण क्यों हुआ, ठीक है, पठार का निर्माण क्यों हुआ, यहाँ पर कौन सी प्रकार की संस्कृति के लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करना, ठीक है। यानी एक दक्कन का ट्रैप है और दूसरा मालवा का पठार, तो इसमें भिन्नता क्यों है, क्या है भिन्नता, ठीक है, तो इसका कारण क्या है, तो ये सारी चीजें हम इसमें, मतलब अल्फ्रेड हेटनर ने यह बोला है, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इस चैप्टर में, एक तो आपको ये इंडेक्स याद रखनी है, ठीक है, तो ये इंडेक्स याद रखनी है भूगोल की शाखाओं के रूप में, ठीक है, और उसमें भी ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ पे है, जो जियोग्राफी शब्द दिया इरेटोस्थनीज ने, ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो अपकमिंग जो वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन के लिए मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।